रंगीन अमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। यानी अलग अलग तरह के जो चीज़ें थी वो अपनी क्या दिखाने लग गए, अपनी सज धज, अपनी चीज़ों को दिखाने लगे। लेकिन सबसे अधिक संख्या ग्रेजुएटों की थी, ज़्यादा जो है ग्रेजुएट लोग ज़्यादा थे, क्योंकि सनद की कैद ना होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। सनद की कैद यानी अगर मान लो आप पढ़े लिखे हो ज़्यादा तो आपको वैसे कुछ भी नहीं आता, लेकिन एक पर्दा ढक जाता कि हाँ ये बंदा पढ़ा लिखा है। ठीक है, सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया, उनके आदर सत्कार का अच्छा प्रबंध किया। लोग अपने अपने कामों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर अ 9 बजे तक सोया करते थे, जो मिस्टर अ थे वो कितने बजे तक सोया करते थे, 9 बजे तक। आजकल वे बगीचे में, जो व्यक्ति 9 बजे तक सोते थे वो आजकल बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे, यानी प्रातःकाल उठ जाते थे और उसमें टहलने लग जाते थे। मिस्टर ब को हुक्का पीने का लत था, किसी व्यक्ति को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल वे बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। अब वो छुप कर क्या पीते थे, हुक्का तो नहीं पीते थे तो सिगार पीते थे। मिस्टर द, स और ज से उनको घरों पर नौकरों की नाक में दम था, ये जो थे उनसे क्या था, नौकर को नाक में उन्होंने दम कर रखा था। लेकिन वे आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पद च्युत होने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर लॉ को किताबों से घृणा थी, एक लॉ थे जिनको किताबें नहीं पढ़ते थे, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने और पढ़ने में डूबे हुए हैं, लेकिन दिखावे के लिए वो क्या पढ़ रहे हैं, बहुत सारी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बुकें पढ़ रही है। ठीक है, जिससे बात कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता। हर कोई ऐसा लग रहा है कि वो क्या हो गया, नम्र हो गया है और सदाचार हो गया हो। शर्मा जी बड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे। शर्मा जी जो थे रात में क्या करने लग जाते थे, वेद मंत्र पढ़ने लग जाते थे। मौलवी साहब को नमाज और तलावत के सिवा कोई काम ना था, मौलवी साहब जो है हमेशा नमाज पढ़ते थे। लोग समझते थे कि एक महीने का झंझट है, मतलब जितने भी लोग आए थे वो सोचते थे एक महीने कर लो, जैसे तैसे किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है, एक बार कार्य सिद्ध हो गया तो सीधा दीवान का पद मिलेगा। लेकिन मनुष्य का वह जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है, लेकिन जो दीवान जी थे इन सब में देख रहे थे छुपके कि ये जो सारे बगुले हैं, बगुले क्या होते हैं, दिखावटी के लिए कुछ और करते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, तो वो देख रहे थे कि इन सब में हंस कौन है, यानी सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है।